तो आज जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो भी बड़े ही कमाल की चीज़, और उस चीज़ का नाम है इलेक्ट्रिक केटल। जी फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक केटल अगर हमारी भाषा में बोलें तो बिजली से चलने वाली केतली। जी फ्रेंड्स, बिजली से चलने वाली केतली जिसकी कंपनी है क्रम्पटन, क्रम्पटन उसकी कंपनी है। मैं अभी आपको उसे दिखा देता हूँ और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फिर से आ चुका हूँ अपने एक नई यूट्यूब वीडियो के साथ। तो मेरा नाम जान लो, मेरा नाम है फैज़ुल और आप देख रहे हैं द फैज़ुल। यहाँ आपको मिलती हैं प्रोडक्ट्स की जानकारी, थोड़े से टिप्स एंड थोड़े से ट्रिक्स। तो भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलो ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई अभी मैं लेकर आ चुका हूँ वो केतली, ये है हमारी इलेक्ट्रिक केटल। तो चलो अभी इसे क्या करते हैं, इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद इसका रिव्यू करते हैं और आप लोगों को इसकी कुछ क्वालिटीज़ भी बता दूंगा। लेकिन पहले हम करते हैं इसके ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है पहले उसे रीड करते हैं। तो भाई इसके जो वॉट्स हैं वो हैं 1000 एंड कैपेसिटी जो मतलब स्टोरेज होता है वो है इसका 1 लीटर के अंदर। तो भाई कंपनी का नाम है क्रम्पटन, मॉडल का नाम है एक्टिव वॉट एंड दिस इज इलेक्ट्रिक केटल। इसकी जो वारंटी है वो है 12 मंथ्स, यानी कि इसकी 1 साल वारंटी है प्रोडक्ट की। और अभी इसके वोल्टेज वगैरह के बारे में बात करते हैं तो स्पेसिफिकेशन जो इसके वोल्टेज हैं वो 230 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी तो 50 होती है सबकी। तो भाई ये हमारी इलेक्ट्रिक केटल हो गई, बाहर से तो मैं आपको इसके बारे में बता ही चुका हूँ। अभी बात करें इसके ऊपर, चलो मैं आपको पहले खोल कर दिखाता हूँ फिर उसी के बाद आप लोगों को बता दूंगा सब कुछ। तो अभी इसके अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ मैं और ये केटल हमने बाहर निकाली, इसको पॉलिथीन से भी बाहर निकालते हैं। और अभी इसके अंदर दी हुई है कुछ आइटम्स, जैसे ये इसके नीचे की प्लेट हो गई जो हमारी लाइट में लगेगी। तो चलो भाई इसे इग्नोर करते हैं और देखते हैं अंदर कुछ और भी है या फिर नहीं। तो भाई अंदर से निकलता है एक मैनुअल विद वारंटी कार्ड, जिसके अंदर वारंटी कार्ड भी है और ये मैनुअल भी है। इसे मत फेंकेगा, बहुत ही काम की चीज़ है। अभी बॉक्स को रखते हैं साइड में और बात करते हैं इसके बारे में। तो भाई ये जो अंदर से है फुल स्टील, और दूसरी बात इसकी ये है कि इसका जो ये ढक्कन खोलने के लिए, टॉप खोलने के लिए कुछ हाथ से नहीं खोलना पड़ता, इसके यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, आप उसे दबाओगे तो ये ऑटोमेटिकली। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इसे लाइट में तो लगा देंगे, मैं आपको बताता हूँ कैसे लगाना है। ये आपको क्या करना है, जो प्लेट है इसको आप नीचे रखोगे और सिंपल आप जैसे इसका ये प्लग लाइट में लगाओगे आपको केटल को इसके ऊपर रख देना है। तो अभी हमारी केटल जो है लग चुकी है इसके ऊपर, तो इस तरह इसको लगाना होता है। और अभी बात करें हम अगर इसको प्लग में लगाते हैं ये भी लग जाता है, उसके बाद भी केटल नहीं चलती। वो क्यों नहीं चलती मैं बता देता हूँ और उसके चलाने का तरीका भी आपको बताता हूँ। तो ये जो आपको ब्लू बटन दिख रहा है ये इसके ऑन ऑफ के लिए है। तो भाई नीचे होगा ऑन और ऊपर हो जाएगा ऑफ। तो अभी बात करते हैं कि ये किस किस यूज़ में आ सकती है। तो भाई दूध के लिए यूज़ में आ सकती है, चाय के लिए यूज़ में आ सकती है, और अगर आपको पानी गर्म करना है उसके यूज़ में आ सकती है, और जो लोग एग वगैरह खाते हैं एग को उबालने के यूज़ में ये आ सकती है। मतलब ऐसे जो बॉइलिंग वाली चीज़ें होती हैं काफ़ी, उसमें ये अच्छे तरीके से वर्क करता है और ये स्पेशल उसी के लिए होता है। तो भाई आपको टॉपिक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे जाकर बताना, और अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा। और अभी एक गिव अवे चल रहा है हमारे चैनल पर, अगर आपने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर उसे देख सकते हो। तो इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।